चौधरी गुंड शुपियन में मिलिटेंट हमले में एक कश्मीरी पंडित जहां भाग, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया इलाके का मुहासरा। महबूबा मुफ्ती ने लगाया बीजेपी पर अकलियतों को तहफ्फुज न देने का इल्जाम। बीजेपी के सुनील शर्मा ने कहा जम्मू कश्मीर में आखिरी सांसें ले रही है मिलिटेंसी, मुलव्वस अफराद को बहुत जल्द पहुंचाया जाएगा किफर किरदार तक। पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश पर हुई मीटिंग। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में हालिया पेशरफ्तों का लिया गया जायजा। अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की आवाम को मिला तोहफा नहीं बल्कि मुल्क और जम्मू कश्मीर की आवाम के दरमियान रिलेशनशिप बॉन्ड है। और जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर दस्तयाब रखने के सरकार के फैसले पर किया पीडीपी ने श्रीनगर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। कहा सरकार जम्मू कश्मीर की नौजवान पीढ़ी को नौकरियों के बजाय शराब की बोतलें देना चाहती है, फैसले को जल्द वापस लेने पर दिया जोर। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपहर के 4 बज रहे हैं और आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट का आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेज़बान साहिल इकबाल आपकी खदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में आज मुख्तलिफ खबरें आया जाती हैं, या यूं कहें कि आज बहुत ही अहम खबरें आया जाती हैं। और आज हम शोपियान में हुए मिलिटेंट हमले जिसमें एक कश्मीरी पंडित मारा गया है उस पर भी बात करेंगे। और इस तनासुर में सियासी तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपना रद्दअमल भी जो है जाहिर किया है उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जानिब से आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से भी आप तक खबरें पहुँचाएंगे। और इसके साथ साथ लोगों के मसलों मसाइल के हवाले से भी आप तक खबरें पहुंचाएंगे हम आज इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो चलिए नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे का आगाज इस बड़ी और अहम खबर से करते हैं। आपको बता दें कि शोपियान में मिलिटेंट अटैक में एक कश्मीरी पंडित जो है वो मारा गया। आपको बता दें कि शोपियान के चौधरी गुंड इलाके में, यानी शोपियान के जो चौधरी गुंड इलाका है वहां पर मिलिटेंटों ने एक कश्मीरी पंडित पर गोलियां चलाई जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। अगरचे इलाज मुआलजा के लिए उन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया था लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। मरने वाले की शिनाख्त जो है वो पूरन कृष्ण भट्ट वल्दे तारकनाथ भट्ट जो कि चौधरी गुंड शोपियान के रहने वाले के बतौर हुई है। इस तनाजुर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया था और इसमें मुलव्वस मिलिटेंटों की तलाशी जारी है। वहीं इस हवाले से DIG सुजीत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक जो मालूमात हासिल हुई है उनके बिना पर यह कहा जा सकता है कि एक जो है मिलिटेंट इसमें मुलव्वस था जिसने गोली चलाई है। और इस हवाले से जो है तहकीकात जारी है, तफ्तीश की जा रही है और तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि उसके बाद ही कोई हतमी जो रिपोर्ट है वो सामने आ सकती है। और इस हवाले से DIG सुजीत कुमार मजीद क्या कहते हैं, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। क्या हुआ यहाँ पे? हम यहाँ थे, बाग में थे तो पीछे से पता चला कि किसी को गोली मारी गई तो हम दौड़ते आ गए यहाँ पे। तो यहाँ देखा, यहाँ खून गिरा था, यहाँ खून गिरा था। और जब हम देखने लगे तो तब तक उसको अपना भतीजा ले गया था बाइक पे अस्पताल में, तो वहाँ से फिर वो एम्बुलेंस में शायद शोपियान ले गए। तो फैमिली क्या है इसकी? फैमिली इसकी, दो बच्चे हैं छोटे, एक लड़की है बड़ी और एक लड़का है। उसका भाई भी इधर है, उसके बच्चे भी है, फिफ्थ में पढ़ता है और बच्ची शायद सातवीं में पढ़ती है। तो यानी घर में इनमें इनका सब कुछ घर में ही था, इनका कोई नौकरी वोकरी नहीं है, कुछ नहीं है। टेलीफोन था यहीं पे, बाग बगीचा करता बेचारा, घर से भी बाहर नहीं निकला इन दिनों, वो अंदर ही बैठता। आपको पता ही है कि
TFF ने इसको क्लेम किया है, KFF ने इस पे कश्मीर फ्रीडम फाइटर करके उनका एक प्रॉक्सी नेम उसने क्लेम किया है। सो दैट मींस अलबदर हैज क्लेम्ड दिस। हमारी ओर से अभी अभी कुछ भी श्योर हम लोग अपनी ओर से नहीं बोलेंगे। उस टाइम व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड जरूर माइक अप पे करो। सिक्योरिटी तो यहां पे थी, एक हमारा जो गार्ड लगा हुआ है, ये जो छोटा सा क्लस्टर है वहां पे जो हमारा गार्ड लगा हुआ है वो गार्ड यहां पे। सर गार्ड भी है, आर्मी का कैंप भी 200 मीटर पे, उसके बाद भी ये चीज हो रही है। हां, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो स्कूटर से उनके किसी अपने जान पहचान के साथ ही स्कूटर से कहीं बाहर गए हुए थे और वो स्कूटर से लौटे थे। वो अकेले नहीं थे, वो दो लोग थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो भी चश्मदीदों की ओर से है कि टारगेट करने वाला एक ही था जो इस पे सामने था, आगे पीछे अगर कहीं कोई छुपा हो वो तो अभी किसी ने स्पॉट किया नहीं है। तो वही इस हवाले से आपको बता दें कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी अपना रद्दअमल जो है जाहिर किया है, और सबसे पहले अगर बात करें तो PDP की सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से भी उनकी तरफ से भी इस हवाले से जो है अपना उनका जो तासुरात हैं उन्होंने जाहिर किए हैं, और उन्होंने BJP पर इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि BJP जो कहती है यहाँ पर नॉर्मलसी है उसकी जो है यहाँ पर एक मिसाल दी जा रही है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि क्या नॉर्मलसी है। और इसके हवाले से ये भी उन्होंने कहा है कि अगर एक तरफ से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर तैनात है, वहीं दूसरी जानब इस तरह के हादसात पेश आते हैं, तो इस बात से बखूबी पता चलता है कि BJP जो है वो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ यानी अकलियती जो जमाती हैं उनको तहफ़ देने में नाकाम हो गई है। और वो कहती है कि इससे पहले कुछ ही दिनों पहले जो होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 मिनट निकाल कर जो जम्मू में कश्मीरी पंडित अपनी रिलोकेशन को लेकर एहतजाज कर रहे हैं उनके पास नहीं गई, उनकी दाद फरियाद नहीं सुनी। और महबूबा मुफ्ती इस हवाले से ये भी कहती नज़र आई कि बाद में इसी जो आज कत्लेआम हो रहा है इस पर कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन जो है उस पर भी बात करती हैं, इलेक्शंस में भी उस पर बात करती हैं। इस हवाले से आपको बता दें कि और भी रद्दअमल सामने आए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रद्दअमल सामने आया है। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान नवाब नासिर ने भी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने भी कहा है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो गई है। जो अकलियती इदारे हैं, जो अकलियतें हैं यानी जो माइनॉरिटीज़ जम्मू कश्मीर में रह रही हैं उनको तहफ़ फराहम करने में सरकार पूरी तरीके से जो है नाकाम रही है। और इस पर आपको बता दें कि BJP के जो सीनियर लीडर हैं या यूं कहें कि BJP के कश्मीर इंचार्ज सुनील शर्मा ने भी बात की है, और सुनील शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस तरह के काम में मुलव्वस होंगे उन्हें किफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और बहुत जल्द इस पर जो है कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं महबूबा मुफ्ती, उसके बाद नवाब नासिर, और फिर जो सीनियर लीडर हैं सुनील शर्मा जो हैं कश्मीर इंचार्ज BJP के, वो इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं। एक और दर्दनाक अफसोसनाक वाक़ा हुआ जिसमें हमारा कश्मीरी पंडित जिसने जम्मू कश्मीर को ना छोड़ने का फैसला किया, ये फैसला किया कि मैं यहाँ के लोगों के साथ हम मुसलमानों के साथ जीने मरने का फैसला किया, आज 30-35 साल के बाद उसको निशाना बनाया गया, जबकि यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, इतनी आर्मी है, इतने फोर्सेज हैं, लोगों को जेलों में डाला जाता है हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पर, लोगों को मुलाजमतों से निकाला जाता है शक की बुनियाद पे, पर उसके बावजूद BJP नाकाम हो गई है। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे उनको हिफाजत देने में, और इतना ही नहीं बल्कि यही जमात अब निकलेगी, इनके जो इनका जो खून है इसको पूरे इलेक्शन में बेचती है, उनसे वोट हासिल करती है। हालांकि अभी होम मिनिस्टर यहाँ आए जम्मू कश्मीर, उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो 10 मिनट कश्मीरी पंडित जो पिछले 6 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करते, उनके मुश्किलात सुनते और इसका कोई तरीक़ेकार निकालते कि वो किस तरह से उनको सेफ रखा जाए। तो ये बहुत अफसोस है। मासूम जान
फिर ये जमीन खून से रंगी जाती है। हमारे पूरन कृष्णा साहब जो अपने लॉन में अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं, खुदा ने ये बताइए आज सुबह जब वो उठे होंगे उन्हें सोचा होगा क्या कि उनके बच्चों ने सोचा होगा कि आज उनके वालिद कुछ जबरदस्त आज भी एक्टिव है, तो क्या गारंटी आप देते हो, क्या दावे करते हो कि यहाँ सब चीज ठीक हो गया है? अमित शाह जी आप तो आते हो बाइयर आते हो बाइयर चार जगह आके चले जाते हो और दावे करके जाते हो कि हमने कश्मीर को बिल्कुल ठीक कर दिया, लेकिन उस पंडित भाई से पूछिए जिसके घर में आज मातम है, जिसके घर में आज चिन्ह बुझ गया, और वो सौ ऐसे लोग हैं जो आज रास्ते पे जम्मू में बैठे हुए हैं जिनको आप जबरदस्त उनके माँ बाप उनसे कहते हैं कि भाई ये नौकरी छोड़ दो, जिंदा रहे तो भूखे पेट रहेंगे लेकिन जिंदा तो रहेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि चाहे टेररिस्ट हैं, चाहे इनके पीछे कोई आका है, चाहे इनका कोई स्पोर्ट स्ट्रक्चर है, पाताल से भी इनको निकालेगी ये सरकार। और आपको पता है कि इनकी विल पावर कैसी है इस वक्त, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे जितने भी इकदाम उठाए हैं इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाए गए, किसी कीमत पे भी इन चीज़ों को जगह नहीं है, किसी कीमत पे भी इन चीज़ों को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े लंबे समय से यहाँ पे अभी एक अमन का माहौल शुरू हुआ है जो पॉक्स स्पॉन्सर्ड एलिमेंट को मुझे लगता है कि गवारा नहीं है, हालांकि बहुत कम बचे हैं, लेकिन जो भी इस प्रकार की करतूत में शामिल होगा किसी कीमत पे भी उनसे मतलब उन्हीं की भाषा में उनको जवाब मिलेगा। ये चलिए नाज़रीन किराम, अब PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से बात करते हैं। आपको बता दें कि PAGD की तरफ से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर एक मीटिंग जो है बुलाई गई थी, और मीटिंग में जो है आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो पेशरफ्त हुई उनका उनके हवाले से जो है जायज़ा लिया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में हुई मुख्तलिफ पेशरफ्तों के बारे में जायज़ा लिया गया, और जिनमें आपको बता दें कि आर्टिकल 370 की मनसूखी, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर करना और वोटर फिरस्तों में गैर मुकामी लोगों को शामिल करने के जम्मू DC की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे, और जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर फलू से लदी हुई जो ट्रकें हैं उनको रोका जाना, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर या शराब को दस्तियाब रखना जो है ये शामिल था। और मीटिंग के बाद यानी इस मीटिंग के बाद जो अलायंस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा है, जो उनके तर्जुमान हैं मोहम्मद यूसुफ तारेगा में उन्होंने बात करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की अवाम को मिला हुआ कोई तोहफा नहीं था, बल्कि जिसे उन्होंने कहा कि वो कोई तोहफा नहीं था जिसे वो कहते हैं कि जिन अथॉरिटीज़ ने आईन बनाया उन्हीं अथॉरिटीज़ ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भी दिया था, यानी आर्टिकल 370 जो है गारंटी के तौर पर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसे जितना जल्द यानी आर्टिकल 370 को जितना जल्द वापस दिया जाए उतना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 एक बॉन्ड ऑफ रिलेशन था मुल्क और जम्मू कश्मीर के दरमियान, जिसे 5 अगस्त को छीना गया। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ मौजूदा लोगों को नुकसान है बल्कि आने वाली नस्लों को भी इससे नुकसान होगा। तारेगामी ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से न सिर्फ कश्मीरी आवाम को नुकसान होगा बल्कि एक डोगरा गुज्जर और पहाड़ी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी इससे नुकसान होगा। उन्होंने हाल ही में जम्मू के DC की तरफ से जो निकाला गया ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि जम्मू में जो लोग जो गैर मुकामी लोग पिछले एक साल से रिहाइश पजीर हैं उन्हें भी वोटर फहरिस्त में शामिल किया जाएगा, उस पर भी उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा कि ऐसे हुक्मनामे कौन निकालता है और किन के कहने पर निकालता है ये भी पता नहीं चलता है। और उन्होंने कहा कि हमें यकीन दिलाया गया था कि किसी भी गैर मुकामी शहरी को गलत तरीके से यहाँ वोटर नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर को या शराब को दस्तियाब रखने पर भी उन्होंने बात की, और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि एक तरफ से सरकार गुजरात मॉडल की बात करती है, वहीं दूसरी जानिब से जम्मू कश्मीर में शराब आम करने की बात की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात जैसी रियासत में शराब पर बैन है तो जम्मू कश्मीर में इसे आम क्यों किया जा रहा है। मीटिंग में
आपको बता दें कि इस मीटिंग में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, अब्दुल अजीज लोन और मुजफ्फर अहमद भी शामिल थे। इस हवाले से मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। कश्मीर ने डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स की तामीर का आगाज किया, शुरुआत की, और आज गुजरात में क्यों चुनाव कर रहे हैं? वहां तो पंचायतें थी। कभी कहा जाता है कि हमने असेंबली के बगैर हमने इतने सारे पंच दिए, पंचायत दिए, क्या हाल है उन पंचों का और सरपंचों का? हिमाचल के लोगों को यह बताइए कि असेंबली का चुनाव नहीं चाहिए क्योंकि यहां पंचायती निजाम हमने कायम किया। जम्मू कश्मीर में ये लंतरानी क्यों? 4 साल हो गए, 4 साल में 2018 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में जो लिमिटेड फ्रेंचाइज एक यूनियन टेरिटरी में हो भी सकता है वो भी नहीं, और उस प्रोसेस को भी उस ढंग से शुरू किया डीलिमिटेशन के नाम पर, वो आपको मालूम है, दोहराने की जरूरत नहीं। अब मिनिमम एक वोटिंग राइट का सवाल है। देश के हम डेमोक्रेटिक पार्टी से अपील करना चाहते हैं, ये आज सिर्फ हमारे हकूक पर नहीं, आज ये हक राय दहिंदगी वोटिंग राइट भी आज यहां इनके नासूर बना है, खटक रहा है इनको, अहले इक्तदार को। नहीं तो बताइए क्या वजह? सब पार्टियां कहती हैं कि यहां चुनाव भी हूं, और सब पार्टियां कहती है कि हमें जो अभी रिवीजन का के नाम पर जो मैनिपुलेशन करने की कोशिश हो रही है इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, तश्वीश की लहर पैदा हुई है जम्मू में भी, कश्मीर में भी। हवाले से भी बीजेपी के कश्मीर इंचार्ज सुनील शर्मा ने बात करते हुए कहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, उसी तरीके से PAGD भी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये भी ख़त्म होने वाला है, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मज़ीद सुनील शर्मा इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे बनाई हुई थी, अब जब इनकी कुर्सी खिसक गई, अब इनके सियासत जब खिसक गई, तो इन्हें कोई चारा न लगा PAGD नाम देने को। हालांकि आप इस चीज को मानिए, जो भी नैरेटिव, जो भी डिस्कोर्स इन्होंने खड़ा किया था आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, उस डिस्कोर्स को रिजेक्ट किया है कश्मीर की पब्लिक ने, जिस पर मोहर लगी 5 अक्टूबर 2022 की उस रैली में, जहाँ पे खुद होम मिनिस्टर वजीर दाखिला अमित शाह जी आए, जिस व्यक्ति ने 370 को हटाया था उसी व्यक्ति के लिए भीड़ किस प्रकार से जुट पड़ी, वो इस बात को साबित करती है कि PAGD के डिस्कोर्स को लोगों ने रिजेक्ट किया है। मुझे नहीं लगता है कि इनको जर्नलिस्ट को भी इतनी तरजीह देने की आवश्यकता है। यहाँ पे नए प्लेयर्स हैं अभी मैदान में, अच्छे लोग हैं, और मैं कहता हूँ कि बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग हैं, इंडिपेंडेंट्स लोग हैं जो PRIs भी हैं। नाज़रीन, हाल ही में लिए गए सरकार के एक फैसले पर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया है। आपको बता दें कि हाल ही में जो फैसला लिया गया था, जो ऑर्डर एक जो सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर के तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो है बियर जो है दस्तियाब रखी जाएगी, और इस पर हमने देखा था पिछले कुछ एक दिनों से लगातार मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो हैं वो अपना रद्दअमल जाहिर करती नजर आ रही थी और अपनी नाराजगी का इजहार भी वो करती नजर आई, जिसमें हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी या बाकी जो जमातें हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग रद्दअमल सामने आया था। और इसी हवाले से आज आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडरान हैं और उनके साथ जो
कारकुन हैं, उन्होंने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हेड ऑफिस श्रीनगर के बाहर एहतजाजी धरना भी निकाला। और एहतजाजी धरने के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहा गया था कि यहाँ पर तामीर और तरक्की होगी, यानी आर्टिकल 370 के मनसूखी के बाद कहा गया था कि यहाँ पर तामीर और तरक्की होगी और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके जो हैं दस्तियाब रखे जाएंगे। और ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो बैरूनी ममालक हैं वो जम्मू कश्मीर में जो है आएंगे और यहाँ पर वो अपनी जो चीज़ें हैं वो भी लेकर साथ में आएंगे और यहाँ पर उससे बूस्ट मिलेगा इकनॉमी को। लेकिन ना ही बैरूनी ममालिक से कोई यहाँ पर अभी आया है और ना ही नौजवानों को जो है रोज़गार फराहम हुआ है, ना ही उनके हाथ में जो है नौकरियाँ दी गई हैं, बल्कि इसके बरक्स हुआ है। उनके कहने के मुताबिक इसके बरक्स हुआ है और नौजवानों के हाथों में अब शराब की बोतल दिए जाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है, यानी जो एहतजाज कर रहे थे लीडरान और उनके साथ साथ जो कारकुन हैं बीट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो प्रोटेस्ट हमने किया है ये हमने इसलिए किया है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि डिपार्टमेंटल स्टोरों में अब शराब आम किया जाएगा। हमारे जो बच्चे हैं वो आज दुकानों पे जाता है कोक पीने के लिए, कल वो आहिस्ता आहिस्ता इस जो हम नापाक चीज़ शराब है इसमें वो मुलवस हो जाए। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो फिल फोर इस ऑर्डर को कैंसिल करे और हमारे बच्चों के हाथ में शराब ना दे, हमारे बच्चों के हाथ में नौकरियां के बजाय उन्होंने शराब दी जिसके हम कत्ते हैं। और इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एहतजाज के फौरन बाद जो बीजेपी के कश्मीर इंचार्ज हैं यानी सुनील शर्मा एक बार फिर से इस पर भी बोले हैं और उन्होंने इस पर भी कहा है कि अभी जो है ये नोटिफिकेशन आई है, ये इस पर जो है नज़रसानी होगी और ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये फाइनल ऑर्डर होता तो इस पर अगर कोई नाराज़गी अपनी जताता तो बात अलग थी, लेकिन अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन है और इसको देखा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन जो है लिया जा सकता है। लेकिन इस पर जो है सियासी पार्टियाँ जो हैं वो सियासत करती नज़र आ रही हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और इस पर सुनील शर्मा क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये एक प्रपोजल है, ये 2023 एंड 24 का एक प्रपोजल है। हर डिपार्टमेंट अपने प्रपोजल तैयार करता है। दैट डजंट मींस उसका एक कतई मतलब नहीं कि वो अप्रूव हो गया और वो इंप्लीमेंट हो गया। अभी ठीक है, खबर है और इसमें हाइप मिल रही है, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है, जितना मुझे पता है, ये 2023 और 24 के लिए एक प्रपोजल एक्साइज डिपार्टमेंट ने बनाया। ये रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, अप्रूव्ड होगा या रिजेक्ट होगा, अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इस बात को यहीं पर रोकना चाहिए, क्योंकि हाँ, यदि अप्रूव होता, यदि यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे बियर की वो बिक्री होती तो इस पर एक डिबेट का इशू था। अभी बच्चा पेट में है, अभी क्या नाम। चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट का शुमारा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसके साथ दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।